30 रुपए किलो मिलेगा, आलू 20 है तो 10 रुपए किलो मिलेगा, प्याज कितनी है भाई 40 रुपए किलो है तो 20 रुपए किलो मिलेगी, मिर्च है 80 रुपए किलो है तो 40 रुपए किलो मिलेगी। तो आधे रेट पर 50% का धमाका, इससे अच्छी स्कीम तो पूरी दुनिया में ना कभी आई थी और अब आने वाली है। हमारे देश में बहुत ही बढ़िया स्कीम आने वाली है और इस स्कीम से बहुत ही फायदा होगा, आप लोगों को भी होगा, अगर गरीब हो तो, अमीरों के लिए नहीं, ये सब गरीबों के लिए है। तो इस स्कीम को तो इसको देख लो क्या करना है क्या ना, बाकी तुम देख ली। KMS किसान मजदूर स्कीम, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछ लेता हूं, अटपटा चटपटा खटपटा जो हमारी हरियाणवी भाषा में कहे है भाई। जैसे कि मेरे दिल में इच्छा है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो आप लोगों के दिल में भी इच्छा होती होगी कि यार मुझे भी देश का प्रधानमंत्री बनना है, अगना सही बात करूं ना, सबके दिल में इच्छा है और होनी भी चाहिए, क्यों ना होनी चाहिए भाई। तेरा दिल में इच्छा है? हाँ, दिल मुंडी लगा रो बैठ के, तेरा दिल में है भाई? हाँ भैया, तो सबके दिल में होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने की इच्छा। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम क्यों ना बन सका, बन सका। लेकिन प्रधानमंत्री बनकर काम के करना देश के लिए, जैसे देश से फायदा हो, के काम करना चाहिए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ के फ्री करवा रहा हूँ। अरे मैं जानू, तुम देश की जनता बड़ी समझदार है और हिंदुस्तान की जनता बड़ी समझदार है, जबकि जब उल्टी बात सोच ले तो तुमने जो सोच रहे कि वो तुम कर लियो जब तुम पीएम बनो, लेकिन जब मैं पीएम बनूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो बढ़िया काम करूंगा भाई साहब, मजेदार है ऐसी स्कीम थे ना, हमारे देश का जो किसान और दिहाड़ी मजदूर वाला आदमी है उन्हें इतना फायदा हो जाएगा, इतना फायदा हो जाएगा कि उनको मजो आ जाएगा। तो भाई साहब ये स्कीम है KMS, मतलब किसान मजदूर स्कीम का फायदा। इस स्कीम को जैसे ही मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले स्कीम को लागू कर दूंगा। ऐसी स्कीम लागू करना तय, 40 करोड़ किसान और दिहाड़ी मजदूरों को फायदा होगा। अब थमन सोच रहा होगा किसान मजदूर को, 40 करोड़ किसानों मजदूरों को फायदा कैसे होगा? भाई मैं बताऊं, जैसे आज हमारे सब्जी का है तो भाई सब्जी आज टमाटर मिल रहा 60 रुपए किलो, प्याज मिल रही 40 रुपए किलो, आलू मिल रहे 20 रुपए किलो और मिर्च मिल रही हमें 80 रुपए किलो। ये है आज के दिन का रेट, और ये गरीबा का रेट बता रहा हूँ मैं, अमीरा का ना बता, अमीरा का इतने भी ज़्यादा मिलेगा तो हमने ना लेना, हमने अपने गरीबा वाली बात करनी है, हम खुद गरीब है तो गरीबा वाली बात करेगा। तो भाई जब यह स्कीम बन जाएगी, जब हम देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, इस स्कीम को लागू कर देंगे KMS वाली, तो उसका हमें एक कार्ड बना के देंगे पीएम का, जैसे अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, इस तरह का एक पीएम का कार्ड बना के देंगे। उस कार्ड को आप कहीं भी दिखाओ, सब्जी मंडी में दिखाओ, टेम्पो वाला के दिखाओ, रेडी वाला के दिखाओ, कहीं भी दिखाओ, वो जब कार्ड आप दिखाओगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा उस कार्ड से। तो है ना कितनी बढ़िया स्कीम, मतलब जो टमाटर आपको 60 रुपए किलो मिल रहा है तो आप उस कार्ड को दिखाइए KMS वाले को, तो आपको टमाटर मिलेगा 30 रुपए किलो, और प्याज हमको 40 रुपए किलो मिल रही है तो ये मिलेगी 20 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो मिल रहा है तो मिलेगा आलू 10 रुपए किलो, मिर्च अगर 80 रुपए किलो है तो वो मिलेगी 40 रुपए किलो। तो भाई साहब कितनी अच्छी स्कीम है, कितनी मजेदार स्कीम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस स्कीम को लागू करना चाहिए जिससे हमारे 40 करोड़ किसानों और दिहाड़ी मजदूरों को फायदा हो। कितनी अच्छी स्कीम लेकर आया हूँ, लेकिन भाई मोदी करे करे ना करे पर कोई बात ना, लेकिन जिस दिन हम देश का प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन इसने हम लागू कर देवांगा। तो भाई साहब बड़ो मजो आओगे स्कीम के ऊपर, एक पीएम का कार्ड बन जाएगा ठीक है, और इसमें और भी सब्जी है दुनिया भर की, टिंडा भिंडी, तो वो भी उसी रेट पर आ जाएगी। तो कितना फायदेमंद है हमारे देश के किसानों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए KMC, अगर KMC स्कीम लागू मोदी जी कर दे तो कितना फायदा हो जाएगा लोगों को, गरीब लोगों की जेबों पे खर्चा कम हो जाएगा भाई। टमाटर 60 है तो 30 रुपए किलो मिलेगा, प्याज 40 है तो 20 रुपए किलो मिलेगी, आलू 20 है तो 10 रुपए किलो मिलेगा, और मिर्च 80 है तो 40 रुपए किलो मिलेगी, और ये सब मिलेगा पीएम का कार्ड बनने पर, मतलब KMS किसान मजदूर स्कीम। तो ऐसी स्कीम तो कितनों फायदा हो जाएगा दिहाड़ी मजदूर का और देश का किसान ना।
हो जाएगा ना। वो भाई साहब यार तो बहुत बढ़िया स्कीम है, मजेदार स्कीम है। ऐसा स्कीम करना तो हकीकत की बात है, दिल का हाथ रख के बताइए तुम। मैंने मत सोचियो कि यार आधा रेट पर सब्जी मिल रही है, ऐसा और भी चीज मिलेगी, कितना फायदा हो जाएगा। तो यह स्कीम है, इससे हमारे देश के जो किसान है, मजदूर है, भाई साहब उनकी जिंदगी बदल जाएगी, मजा आ जाएगा। Thank you.